बेलघाट थाने की पुलिस ने लूट करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में सीओ गोला अजय कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान करण पुत्र महेंद्र हरिजन निवासी ग्राम चितौनी बुजुर्ग थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर, दूसरा विशाल उर्फ रिकांश पुत्र बालेंद्र राय निवासी ग्राम टिकलिया डाड़ थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक अवैध देसी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, चोरी की दो मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। सीओ गोला ने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में बेलघाट थाना प्रभारी कमलेश कुमार, उप निरीक्षक विकास नाथ, अमरेश कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल अवधेश तिवारी, कांस्टेबल देवानंद, अखंड प्रताप सिंह, जितेंद्र यादव, सर्वेंद्र शुक्ला शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ गोला अजय कुमार सिंह ने कहा, आज दिनांक 23 को सुबह करीब 7 बजे जयती तिराहे के पास बेलघाट पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को पकड़ा गया। उनके पास से दो मोटरसाइकिलें, एक पिस्टल, मैगजीन, दो जिंदा कारतूस और एक मोबाइल बरामद हुआ। इस संबंध में जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि एक जो उसमें अभियुक्त है उसका नाम करण है और दूसरा उसका साथी है रिकांशु। ये दोनों बेलघाट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। करण द्वारा 2022 में एक कलेक्शन एजेंट से 1,92,000 की लूट की गई थी। उसी के सिलसिले में पुलिस इसकी निगरानी कर रही थी। उसके पास से जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक वो बेलघाट थाना क्षेत्र से ही चोरी हुई थी, वो ट्रेस आउट हो गई है। और दूसरी मोटरसाइकिल उसने जो है आजमगढ़ से चोरी करना बताया, जिसका नंबर प्लेट, चेचिस नंबर, इंजन नंबर सब खुरच दिया था तथा नंबर प्लेट दूसरी बदल के वो चला रहा था। इस संबंध में उसके खिलाफ थाने पर 420 का 1920 67 68 71 25 आर्म्स एक्ट और मोटरसाइकिल चोरी का 411 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों को जेल भेजा जा रहा है।